हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं गुलाब की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी। हमारे किसान भाई गुलाब की खेती करके भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कैसे कमाई कर सकते हैं, कैसे पौधरोपण किया जाता है दोस्तों, साथ ही कौन सी खाद देनी चाहिए, कौन से स्प्रे करना चाहिए, कौन सी बेस्ट वैरायटी हैं और इसकी मार्केटिंग डिमांड कैसी रहती है, तो इस वीडियो के माध्यम से चाहे एक एकड़ में कितनी लागत लग रही हो, कौन कौन सी खाद हमको ऑर्गेनिक रूप में देनी है, कौन सी स्प्रे करना चाहिए, कौन सी फंगीसाइड काफ़ी अच्छा काम करेंगी और गुलाब की जो प्लांट्स पौधे पर शाखाओं पर कम से कम फूल आते हैं और आते भी हैं तो बहुत कमजोर फूल आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर से पौधा लद जाए तो कौन सी खाद एकदम ऑर्गेनिक तरीके से, और कुछ ऐसी उर्वरक खादों के बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से डिटेल दोस्तों शेयर करने वाले हैं। तो एक एकड़ में कॉस्ट के ऊपर बात करेंगे, बेनिफिट के ऊपर बात करेंगे, नेट प्रॉफिट और मार्केटिंग रेट के साथ साथ ए टू जेड संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो गुलाब की जो फार्मिंग है दोस्तों, गुलाब की मार्केटिंग डिमांड हमेशा अच्छी बनी रहती है, तो कैसे हमारे किसान भाई गुलाब की खेती करके भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको रोज़ फार्मिंग की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी डिटेल में शेयर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय। तो देखिए, गुलाब की खेती तो वैसे 12 महीने आप रोपण कर सकते हैं, नर्सरी लगा सकते हैं और कलमों को भी खेत में लगा सकते हैं, लेकिन अनुकूल जो उचित समय है दोस्तों, रवि सीजन पर आप सितंबर से लेकर नवंबर के मध्य आप खेत में लगा सकते हैं और जायद में आप फरवरी से मार्च महीने पर दोस्तों आप खेती कर सकते हैं। सबसे अनुकूल उचित है सितंबर का महीना, जुलाई अगस्त सितंबर, इन महीने पर आप यदि गुलाब को लगाते हैं तो बहुत अच्छे से पौधा बढ़वा लेगा। दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं जलवायु और टेम्परेचर, क्लाइमेट्स कंडीशन और टेम्परेचर किस प्रकार का होना चाहिए गुलाब की फसल के लिए। तो देखिए दोस्तों, गुलाब की खेती अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में नहीं की जा सकती है, इसकी खेती आप उत्तर एवं दक्षिण भारत के मैदानी एवं पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ यदि मौसम में ठंडे नम आर्द्र जलवायु यदि मौसम में रहती है दोस्तों, यदि टेम्परेचर के ऊपर बात कर लें तो न्यूनतम टेम्परेचर 14 से 15 डिग्री सेल्सियस यदि जाता है और अधिकतम के ऊपर बात करें 28 से 30 32 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चल जाता है। वहाँ की एक एवरेज एक औसत टेम्परेचर 15 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान यदि होता है तो बहुत अच्छे से फ्लावर हमारे देखने के लिए मिलते हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। भूमि और खेत की तैयारी, तो गुलाब की खेती में सोयल और फार्म प्रिपरेशन के ऊपर बात करें तो भूमि आप रेतीली भूमि है, बलुई भूमि है, काली मिट्टी है, काली दोमट है, चिकनी भूमि है, सभी प्रकार की भूमि पर आप खेती कर सकते हैं। मृदा की पीएच वैल्यू दोस्तों यदि 7.5-8 से अधिक है, अधिक एल्कलाइन है, तो 50 किलोग्राम आप जब खेत की तैयारी कर रहे हो जिप्सम का प्रयोग करके खेत की तैयारी करना चाहिए। और भूमि के ऊपर अगर हम बात करें, खेत की तैयारी के ऊपर बात करें, तो भूमि उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और जो भूमि है दोस्तों, जितनी ज़्यादा मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ होंगे, जितनी ज़्यादा उपजाऊ भूमि होगी उतनी ही अच्छी पैदावार हमको देखने के लिए मिलेगी। बाकी आप पीली भूमि पर भी खेती कर सकते हैं। खेत की तैयारी एक बार आपको गहराई में चलने वाले प्लाउ से प्लाउइंग कराना है, फिर एक से दो बार कल्टीवेटर से आपको प्लाउइंग कराना है और मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले यंत्र जैसे रोटावेटर है, हैरो से आपको ठीक तरीके से मिट्टी को भुरभुरी कराना है, पाटा लगाकर एकदम खेत को समतल करा दीजिए और खेत के चारों साइड साफ सफाई होना चाहिए और तारबंदी भी दोस्तों होना बहुत ही ज़रूरी है। 5 से 7 फीट वाली जो ग्रीन नेट आती है उसको आप खेत के चारों साइड खींच लीजिए, इससे जो वायरस होते हैं और भी जो रोग बीमारी हैं वो बहुत ही कम देखने के लिए दोस्तों मिलती है। तो इस प्रकार आपको खेत की एकदम तैयारी करा लेना है और यदि खेत समतल भी नहीं है तो भी आप, यानी कम उपजाऊ भूमि है तो भी आप गुलाब की खेती कर सकते हैं। उन्नतशील किस्में, तो दोस्तों जो रोज़ फार्मिंग है, रोज़ की जो वैरायटी है, वैरायटी डिपेंड करती हैं कि आप हाइब्रिड
गुलाब को लगा रहे हैं या फिर देसी वैरायटी को। कुछ आप इस प्रकार समझ लीजिए दोस्तों, यदि आप हाइब्रिड वैरायटी को लगाते हैं, आप यदि हाइब्रिड वैरायटी, क्योंकि हाइब्रिड जो वैरायटी होती हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, कई तरीके से इस्तेमाल और यूज़ किया जाता है, उन्नतशील किस्मों के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार आप समझ लीजिए कि हाइब्रिड वैरायटी को आप लगा रहे हैं तो पॉली हाउस नेट हाउस के अंदर ही आपको लगानी है, और यदि आप ओपन फील्ड फार्मिंग खेती करना चाहते हैं तो आप देसी वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए। उन्नतशील किस्में जो कि काफ़ी अच्छी उत्पादन देने वाली हाइब्रिड वैरायटी हैं, जैसे रेड टॉप सीक्रेट वैरायटी है, ये भी काफ़ी फेमस वैरायटी है, लेकिन इस वैरायटी को आप नेट हाउस या फिर ग्रीन हाउस पर ही खेती कर सकते हैं। इसके अलावा कश्मीरी गुलाब है, रेड रोज़ है, इसके अलावा पिंक रोज़ है, रेड ब्यूटी के नाम से आती है, और एक और हाइब्रिड वैरायटी है बोर्डेक्स जो वैरायटी है रोज़ की, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। इन सभी में से जो सबसे बेस्ट वैरायटी है दोस्तों वो है हाइब्रिड की रेड टॉप सीक्रेट वैरायटी और बोर्डेक्स रोज वैरायटी को आप सेलेक्शन और चुनाव कर सकते हैं। अब जो देसी वैरायटी हैं आपके एरिया के हिसाब से जो बढ़िया और सही अच्छी पैदावार देने वाली किस्में हों उनको दोस्तों आप लगा सकते हैं। तो वैरायटी का आप सिलेक्शन कर रहे हैं, हम आपको यही रिकमेंडेड करेंगे कि आप यदि ओपन फील्ड फार्मिंग खेती कर रहे हैं यानी सामान्य तरीके से खेती कर रहे हैं तो देसी किस्मों का ही आपको चुनाव करना चाहिए प्रति एकड़ प्लांट्स या फिर कलमें। तो जो आपको एक एकड़ पर पौधरोपण करने हैं रोज़ के, तो दोस्तों आपको कलमें लगानी है या फिर आप ग्राफ्टेड पौधे को भी ट्रस्टेबल नर्सरी से परचेज कर सकते हैं। ये समझ लीजिए एक एकड़ में आपको 8,000 से लेकर 10,000 कलमों की आवश्यकता पड़ेगी, पौधों की आवश्यकता पड़ने वाली है। अगले विषय के ऊपर दोस्तों बात कर लेते हैं, वेड तैयार। तो आप वेड बनाकर यदि आप खेती करते हैं, अधिक वर्षात हो जाती है तो जल भराव नहीं होगा, ज़्यादा देर तक जड़ों के पास पानी ठहरा नहीं रहेगा जिससे जड़ों में रूट रॉट की समस्या आने लगती, कॉलर रूट की समस्या आने लगती है। तो इसीलिए आप गुलाब की खेती कर रहे हैं दोस्तों, तो आप वेड बनाकर 1.5-2 फीट ऊँची वेड बनाकर खेती करें और बेड मेकर या फिर बेड ड्राइजर से आप बेड प्रिपरेशन करा सकते हैं। वेट से वेट की दूरी 5 फीट, वेट की ऊंचाई 1 से 1.5 फीट, और साथ ही दोस्तों वेट की आपको जो चौड़ाई रखनी है वो रखनी है 2.5 से 3 फीट, और एक लाइन में आपको डबल लाइन पर आपको पौध रोपण करना चाहिए। बेसल डोज यानी बुआई के समय कौन कौन से न्यूट्रिएंट, कौन कौन से पोषक तत्व की पूर्ति करना चाहिए, तो ऑर्गेनिक तरीके से दोस्तों आप गोबर की खाद 2 ट्रॉली और आपको 2 से लेकर 4 क्विंटल सरसों की खली आपको एक एकड़ में प्रयोग करना है, और आपको उसके बाद आपको कलमों को पौधरोपण करना चाहिए। ये थी ऑर्गेनिक की बात। अब ऑर्गेनिक नहीं है रासायनिक खाद के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि बुआई के समय वेट के ऊपर DAP 50 किलोग्राम, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 25 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलोग्राम, और हो सके तो गोबर की खाद भी 2 ट्रॉली, इन सभी को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से आपको वेट के ऊपर दे करके वेट प्रिपरेशन कराना चाहिए। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं, नर्सरी तैयार। तो जो रोज़ फार्मिंग है, गुलाब की खेती आप कर रहे हैं, तो जो नर्सरी प्रिपरेशन करना है इसकी मेथड अलग अलग है। वैसे तो आप चाहें तो 2 से 3 साल पुराने पौधे से भी कलम निकाल सकते हैं, 10 से 12 इंच लंबाई वाले ट्राइकोडर्मा में दोस्तों डुबो कर आपको प्लांटेशन करना है, या फिर आप ग्राफ्टेड पौधे को भी खरीद सकते हैं किसी भी ट्रस्टेबल नर्सरी से, या फिर आप 2 से 3 साल पुराना पौधा है तो वहां से भी आप कलम निकाल सकते हैं दोस्तों। प्लांट डिस्टेंस, पौधे से पौधे की दूरी हमको कितनी रखनी चाहिए। कुछ किसान भाई अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर रोज फार्मिंग की प्लांटेशन कर देते हैं, तो एक्चुअली पर कितनी दूरी पर हमको पौध रोपण करना चाहिए जिससे हमारी फसल लॉन्ग लास्टिंग, एक अच्छी यील्ड निकलती रहे, और एक निश्चित डिस्टेंस आप बताइए। तो पौधे से पौधे की दूरी आपको रखनी है दोस्तों लगभग 3 फीट, और आपको एक वेट पर आपको डबल लाइन पर प्लांटेशन करना है और जिग जैग प्लांटेशन आपको करना है, यानी एक बेड पर डबल लाइन पर प्लांटेशन करना है और पौधे से पौधे की दूरी आपको लगभग दोस्तों 3 फीट रखनी है। लाइन से लाइन की दूरी आपको 5 फीट रखनी है, यानी एक बेड से दूसरी बेड की दूरी आपको 5 फीट और एक बेड पर आपको डबल लाइन पर पौध रोपण करना है, वो भी जिग जैग। दोस्तों जब भी आप गुलाब की प्लांटेशन कर रहे हों, पौधों को लगा रहे हों, जड़ों के पास यानी फील्ड पर पर्याप्त मात्रा पर नमी होना बहुत ही ज़रूरी है, और स्टार्टिंग की जो दिन होती हैं दोस्तों उस पर आपको विशेष रूप से इरिगेशन पर ध्यान रखना चाहिए। अब ड्रिप इरिगेशन के ऊपर बात कर लेते हैं,
दोस्तों रोज फार्मिंग पर आप 16 mm इनलाइन ड्रिप एरीगेशन को लगा सकते हैं। मल्चिंग पेपर लगाने से, यदि मल्चिंग पेपर के ऊपर बात करें, मल्चिंग पेपर लगाने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और खरपतवार बिल्कुल भी नहीं उगते हैं। तो मल्चिंग पेपर 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर यदि आप 1 एकड़ में लगाते हैं तो लगभग 14,000 से 15,000 रुपये के आसपास का खर्च दोस्तों आने वाला है। अब इरीगेशन के ऊपर बात कर लें तो यदि आप ड्रिप लगा रखी है, ड्रिप से खेती कर रहे हैं, तो 2 से 3 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी है, 2-2 घंटे, और फ्लैट एरीगेशन से आपने मतलब क्यारी विधि से खेती कर रहे हैं तो 15 से 16 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार आपको सिंचाई करना चाहिए। वीड कंट्रोल, खरपतवार की रोकथाम, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप मल्चिंग पेपर लगाइए। यदि आपने मल्चिंग पेपर लगाया है तो जहां मल्चिंग पेपर लगी हुई है वहां खरपतवार नहीं उगेंगे, बल्कि दोनों बेड के बीच में जहां मल्चिंग पेपर नहीं लगा है वहां खरपतवार उग जाएंगे। तो निराई गुड़ाई कराएं, मजदूरों की मदद से आप खरपतवार मुक्त फसल रखना है। और यह एक सीक्रेट फार्मूलेशन है कि गुलाब की फसल पर जितना ज़्यादा मतलब साफ सफाई रहेगी, जितना ज़्यादा स्वस्थ आप फसल को रखेंगे, उतनी अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलेगी। खरपतवार रहेंगे तो सकिंग पेस्ट, स्पेशल एफिड्स, जैसिड और वाइट फ्लाई का प्रकोप बढ़ने वाला है। तो इसलिए निराई गुड़ाई आपको विशेष रूप से दोस्तों करना चाहिए। और दोनों वेट के बीच में यदि खरपतवार उग चुका है तो आप पावर वीडर को भी चला सकते हैं कुछ इस प्रकार। अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, स्प्रे शेड्यूल। गुलाब की फसल पर एक अच्छी पैदावार, ज़्यादा से ज़्यादा फूल की संख्या आए पौधे पर, तो इसके लिए कुछ कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे किया जाता है, कुछ टॉनिक का और कुछ फंगिसाइड का स्प्रे किया जाता है, जो कि सस्ती होती हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली। हम आपको कॉम्बिनेशन कीटनाशक दवाई और फफूंदनाशक के बारे में दोस्तों जानकारी और डिटेल शेयर कर रहे हैं, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करें। हम बात कर रहे थे कीट प्रबंधन कि कौन कौन से कीट आते हैं, सबसे पहले समझते हैं। तो प्रमुख रूप से पाउडर मिल्ड्यूड है, आद्र गलन है, लीफ स्पॉट है, एफिड्स, थ्रिप्स, माइट्स, स्पेशल रेड माइट्स आती है, और बैक्टीरिया विल्ट आती है, यानी फलता फूलता पौधा सूख जाता है, डाई वैक यानी उल्टा सूखा रोग, यानी आगे चल के आपको बताएंगे कि प्रूनिंग करने पर यानी पौधा ऊपर से नीचे की साइड सूखने लगता है, तो आपको कौन से काम करने हैं, मिली बग आता है, और पत्तियों को खाने वाली सुंडी का भी प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो कुछ ऐसे मतलब 1-2-4 बीमारी आती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं, और यदि ऑफ सीजन है, ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, तो बीमारी और भी बढ़ सकती हैं। तो बीमारी तो कई आ रही हैं, इलाज बतलाइए। तो दोस्तों आपको कुछ स्प्रे फॉलो करने हैं जो कि आप अपने गुलाब की फसल पर स्प्रे करके काफ़ी अच्छा मतलब प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं। पौधा हरा भरा रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे। तो जो फर्स्ट स्प्रे है, पौधरोपण करने के बाद 2 से 3 माह के मध्य की जब फसल होती है तो केवल और केवल आपको ऑर्गेनिक रूप में नीम ऑयल 30 ml 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना है। सेकंड स्प्रे 4 से 5 माह के मध्य की फसल होती है तो सिंजेंटा कंपनी की एकतारा 10 ग्राम, M45 मैंगो जब 75% फंगिसाइड को 40 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करना है। स्टीकर सिलिकॉन चिप को मिला करके 15 लीटर पानी में घोल करके दोस्तों आपको स्प्रे कर देना है। थर्ड स्प्रे 7 से 8 माह के मध्य की जब फसल होती है तो धानुका की कॉनिका फंगिसाइड 40 ग्राम, UPL की लांसर गोल्ड 40 ग्राम, 15 लीटर पानी घोल करके दोस्तों आपको स्प्रे करना है। अब कटिंग के बाद आपको एक स्प्रे लेना है कि जैसे ही आपने प्रूनिंग की है, कैसे कटिंग की जाती है जानकारी आपको आगे बतलाएंगे। जैसे ही आपने कटिंग की है आपको एक काम करना है कि धान का कॉनिका फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके सिलिकॉन चिप को मिलाकर दोस्तों आपको स्प्रे कर देना, बहुत ही अच्छा और लाजवाब रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। आपको एक हम जानकारी शेयर करते हैं कि फ्लावरिंग स्टेज से 15 दिन पहले ज़्यादा से ज़्यादा फूलों की संख्या आए तो इस कॉम्बिनेशन को स्प्रे कर दीजिए। ध्यान दीजिए, फ्लावरिंग स्टेज से जस्ट 15 दिन पहले सागरी का लिक्विड 30 ml, सिजेंटा कंपनी की एमस्टार टॉप फंगिसाइड 20 ml और बायर कंपनी की मोमेंटो एनर्जी 25 ml 15 लीटर पानी में इन तीनों को घोल करके यदि आप स्प्रे करते हैं तो फिर आप देखेंगे कि फलों की जो चमक है वो एक अलग तरीके से देखने के लिए मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे पर फूल आएंगे। तो इस प्रकार आपको कॉम्बिनेशन को और स्प्रे को फॉलो करना है, और फ्लावरिंग स्टेज पर आपको एक टॉनिक स्प्रे करना है, आइसा एग्रो की सीएफटॉन 10 L टॉनिक 30 ml ऑयल बेस, यह टॉनिक है
30 ml 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना है। एक प्लस पॉइंट और, यदि आप ऑर्गेनिक है रोज़ फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको एक काम करना है कि सकिंग पेस्ट जो रस चूसा कीट जैसे एफिड है, जैसेड है, वाइट फ्लाई है और भी रस को चूसने वाले जो कीट हैं, इनकी रोकथाम के लिए पीला और नीला ट्रैप आपको लगाना है। एक एकड़ में लगभग लगभग 20 फीस दोस्तों यदि आप लगाते हैं तो सकिंग पेस्ट पर वैसे भी आपको काफ़ी अच्छा कंट्रोल और नियंत्रण मिलने वाला है, क्योंकि जो गुलाब की खेती इस पर कुछ ऐसी सुंडी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है जो कि फूलों को भी खाती हैं, पत्तियों को भी नुकसान पहुंचाती हैं और सकिंग पेस्ट पर मिलीबग भी आ जाता है दोस्तों, और एफिड प्रमुख रूप से यानी हरा माहू भी देखने के लिए समस्या मिलती है और कुछ फंगस। तो इन स्प्रे को यदि आप फॉलो करते हैं तो कोई भी समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी दोस्तों। इस प्रकार यदि आप टॉनिक को, कीटनाशक दवाई को और भी जो हमने ऑर्गेनिक रूप में नीम ऑयल एफएस ऑयल का कॉम्बिनेशन या फिर जो स्प्रे बतलाए हैं, यदि इनको आप फॉलो करती हैं तो फ्लावरों की जो संख्या है वो भी बढ़ने वाली है, चमक और क्वालिटी भी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको आवश्यकता अनुसार यदि आप स्प्रे को चलाते हैं तो जो पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूलों की संख्या देखने के लिए मिलने वाली है। तो दोस्तों ये था स्प्रे शेड्यूल। अगले टॉपिक के ऊपर दोस्तों बात करते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिलाइजेशन शेड्यूल। तो देखिए, जब तक हम न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व की पूर्ति नहीं करेंगे पौधे पर तो जो आउटपुट है, जो हार्वेस्टिंग है, जो उत्पादन है वो उतना अच्छा देखने के लिए नहीं मिलेगा। स्प्रे कर रहे हैं तो जितनी ज़्यादा मनुष्य को भोजन की आवश्यकता पड़ती है उतनी ही आवश्यकता पौधे को न्यूट्रिएंट और पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। जितनी ज़्यादा आप पूर्ति करेंगे, जितनी अच्छे से मेंटेनेंस करके अपनी फसल को रखेंगे, साफ सफाई रखेंगे और प्रॉपर प्रूनिंग करेंगे, कटिंग करेंगे और आपको स्पेशल फफूंदनाशक के कुछ स्प्रे लेंगे तो बहुत अच्छी यील्ड देखने के लिए मिलेगी। तो हम बात कर रहे थे फर्टिगेशन शेड्यूल। अब ऑर्गेनिक खेती आप कर रहे हैं तो इन खादों को आप फॉलो करें। नीम खली है, सरसों की खली है, मुर्गी की खाद है, गोबर की पकी खाद है, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जीवामृत का दोस्तों आप प्रयोग कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार 3-3, 4-4 माह के अंतराल पर। इसके बाद यदि आप रासायनिक तरीके से खेती कर रहे हैं, जो मुर्गी की खाद है, गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है, तो फिर आप रासायनिक रूप में ड्रिप से आप इन खादों को दोस्तों चला सकते हैं। यदि आप गुलाब की खेती ड्रिप से कर रहे हैं तो आपको वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर्स को फॉलो करना है। घुलनशील खादों को ड्रिप वेंचुरी के माध्यम से छोड़ना, जैसे 1919 है, 0524 है, 0050, 0045, 0050 है, 17440 है, 1260 है दोस्तों। इन खादों को साथ में जड़ों का विकास अच्छा हो तो ह्यूमिक एसिड है, यदि फिर बढ़वार गुलाब की नहीं हो रही है तो जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट का आप प्रयोग कर सकते हैं पीलापन की समस्या दूर करने के लिए, ये थी ड्रिप में। लेकिन यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो इन खादों को जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई करना है। फर्स्ट खाद 2-3 माह के मध्य की फसल होती है तो 5 किलोग्राम प्रति पौधा वर्मी कंपोस्ट देकर आपको जड़ों के पास देकर के सिंचाई करना, इरिगेशन करना है केवल और केवल। अब सेकंड खाद 4-5 माह के मध्य की जब फसल होती है तो केवल और केवल यूरिया 46% नाइट्रोजन है, यूरिया उर्वरक खाद 20 kg, ह्यूमिक एसिड 10 kg, इन दोनों को मिक्स करना ठीक तरीके से और जड़ों के पास थोड़ा सा खोद कर हल्का हल्का जड़ों के पास देकर के आपको सिंचाई कर देना है। अब थर्ड जो खाद है 6-7 माह के मध्य जब गुलाब की फसल होती है तो SSP पाउडर फॉर्म वाली 25 किलो DAP 25, यूरिया 25 और सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद किसी अच्छी कंपनी का, जैसे एग्रोमेन आता है और भी बहुत सारी कंपनी देती है माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 kg, इन 3-4 को मिक्स करके दोस्तों यदि आप जड़ों के पास देंगे तो बहुत अच्छे से फ्लावरों की संख्या आने वाली है, तो इनको आपको ज़रूर फॉलो करना है। अब फ्लावरिंग स्टेज से पहले लगभग 10 दिन पहले फ्लावरिंग स्टेज से 10 दिन पहले कैल्शियम नाइट्रेट 15 किलो और बोरॉन 1 किलो इन दोनों को जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए और फिर खुद आप पैदावार देखेंगे, हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी यील्ड निकलेगी। ये था खाद का शेड्यूल। लेकिन दोस्तों इन सब काम करने के बाद भी यदि दोस्तों गुलाब की फसल पर कमज़ोर फूल आ रहे हैं तो एक सीक्रेट फॉर्मुलेशन कॉम्बिनेशन को आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर बढ़वार, अच्छी हार्वेस्टिंग देखने के लिए मिल रही है तो ठीक है, लेकिन कमज़ोर फूल आ रहे हों तो इस फॉर्मुलेशन को आप अप्लाई करें। यूरिया उर्वरक खाद 30 kg, जिंक सल्फेट 3 kg जो कि 33% वाली आती है, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर
सिंचाई कर दीजिए। जो कमज़ोर फूल आ रहे हैं, बहुत हल्का वजन है, वजनदार करना है, कलरफुल करना है, तो इस कॉम्बिनेशन को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आपको खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। यदि फसल अच्छी हरी भरी दिख रही है तो खाद की कॉम्बिनेशन का जो डोज है 50% लेस देन भी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। विशेष रूप से आपको इरिगेशन पर ध्यान रखना चाहिए। अगले टॉपिक के ऊपर दोस्तों बात करते हैं प्रूनिंग यानी कटिंग। तो यदि कोई भी हम फसल की बात करें, सबसे ज़्यादा यदि किसी फसल में कटिंग की आवश्यकता पड़ती है तो दोस्तों वो है रोज़ फार्मिंग, गुलाब की खेती। गुलाब की फसल पर जितनी ज़्यादा आप कटिंग करेंगे, देखभाल करेंगे, उतनी ही ज़्यादा न्यू शाखाएँ, न्यू ब्रांचेस और ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव आएंगे, जिससे पैदावार बढ़ेगी। तो कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब कटिंग करते समय कुछ सावधानी भी आपको रखनी है। सावधानी पहली तो ये है कि कम से कम एक साल बाद ही पौधे की आपको कटिंग करनी है। एक साल से पहले पौधे की कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और कटिंग करने के बाद दोस्तों आपको पता है कि लगभग जैसे हमने आज कटिंग कर दी तो 45 से 50 दिन बाद ही फूल आना शुरू होंगे। यानी कटिंग अभी की है, 45 दिन बाद एक न्यू हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। पौधे से 5 से 10 इंच आपको बॉटम साइड से यानी 5 से 10 इंच नीचे साइड से आपको कटिंग करनी चाहिए और अधिकतम 1 फिट आप रख सकते हैं। कटिंग आप कर रहे हैं तो बिल्कुल नीचे से और आपको जो स्टेम छोड़नी है वो आपको 5 इंच अधिकतम आप छोड़ सकते हैं। कटिंग करने से अधिक फुटाव आते हैं, जिससे पैदावार बढ़ती है। और एक बार जब आप कटिंग करेंगे दोस्तों तो कम से कम 3 से 4 बार मिनिमम हार्वेस्टिंग आप ले सकते हैं। गुलाब की कटिंग कब करें, सबसे पहले जानते हैं। तो जब आप पौधरोपण करते हैं तो कम से कम 14 माह के बाद ही आपको कटिंग करनी है। और फूल हार्वेस्टिंग के बाद यदि आप कटिंग करते हैं, जैसे आपने हार्वेस्टिंग ले ली, उसके बाद यदि आप कटिंग करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको लाभ पहुँचेगा। और स्पेशल साल के मई महीने पर और नवम्बर महीने पर आप यदि कटिंग करते हैं तो बढ़िया यह समय माना जाता है और काफ़ी अच्छी बढ़वार देखने के लिए मिलती है। बाकी तो आप गुलाब की कटिंग 12 महीने दोस्तों कर सकते हैं। मई और नवंबर काफ़ी स्पेशल है। हम तो कहते हैं एक बार आप जब कटिंग करते हैं तो 3 से 4 बार हार्वेस्टिंग लीजिए और फिर कटिंग कर दीजिए, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। और यदि आप ओपन फील्ड फार्मिंग कर रहे हैं तो देसी वैरायटी का चुनाव करना है। और आप पॉली हाउस में खेती करना चाहते हैं तो हाइब्रिड को आप पॉली हाउस में ही आपको लगाना चाहिए। गुलाब की मार्केटिंग डिमांड दोस्तों 12 महीने बनी रहती है। सुगंधित मालाओं के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा गुलाब की डिमांड हमेशा मार्केट पर दोस्तों बनी रहती है। तो आप गुलाब की खेती करके भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन आपने जैसे कटिंग कर दी दोस्तों, तो कटिंग करने के बाद ऊपर से सूखने की समस्या आती है, यानी उल्टा सूखा रोग यानी डाइवैक की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो कटिंग करने के बाद, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिए, कटिंग करने के बाद आपको फंगिसाइड स्प्रे करना है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर लीजिए 15 लीटर पानी में 40 ग्राम, या फिर आप जैसे धान का कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट का जो कॉम्बिनेशन है उसको भी आप ले सकते हैं। धान का फंगिसाइड आती है दोस्तों, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर धान का ही कॉनिका फंगिसाइड 15 लीटर पानी में 40 ग्राम की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप कटिंग करेंगे, सिंचाई पर ध्यान रखेंगे, पैदावार बढ़ने वाली है। आप यदि 6-7 महीने यदि कटिंग नहीं करेंगे या फिर आप साल भर कटिंग नहीं करेंगे तो पैदावार भी कम होगी और पौधे पर जो फूल आएंगे बहुत ही कमज़ोर देखने के लिए मिलेंगे। तो प्राउनिंग करना, कटिंग करना दोस्तों गुलाब की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। इस प्रकार ये कटिंग करने की आज 1 माह बाद आप फसल को देख सकते हैं। अब अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं लाइफ साइकिल। तो जो गुलाब की खेती है दोस्तों बहुवर्षीय पौधा है और कम से कम ये तो मान लीजिए 10 से 12 साल पौधा हार्वेस्ट बहुत अच्छे से चल जाता है, क्योंकि फिर 15 साल के बाद इसकी जो जड़ें होती हैं थोड़ा सा मतलब फिर अलग कर देना चाहिए इसको। मतलब 10 12 साल 15 साल के बाद आपको इस फार्मिंग को अलग करके दोबारा फिर से आप प्लांटेशन कर सकते हैं। तो यह एक बहुवर्षीय पौधा है और बहुवर्षीय क्रॉप मानी जाती है। फर्स्ट हार्वेस्टिंग के ऊपर बात करें तो गुलाब के पौधा कम से कम 3 से लेकर 5 माह के मध्य फूल देना शुरू कर देता है। लेकिन जो
एक साल का पौधा होता है पूर्ण विकसित हो जाता है और काफ़ी अच्छी ईल्ड, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हार्वेस्टिंग फूल देना शुरू कर देता है। मार्केटिंग रेट के ऊपर बात करें तो मिनिमम कम से कम रेट 50 रुपये रहता है और अधिकतम 200-250 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से हमको कीमतें दोस्तों देखने के लिए मिलती हैं। हाइब्रिड गुलाब की कीमतें और भी ज़्यादा 200-250-300, एक एवरेज 150-200 तो रहती ही रहती है। हाइब्रिड देसी गुलाब की कीमतें थोड़ा सा कम रहती हैं, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि आप ओपन फील्ड फार्मिंग कर सकते हैं, यानी कोई भी आपको पॉली हाउस की आवश्यकता नहीं होगी। बाकी मार्केटिंग रेट हमेशा अच्छा रहता है और हमेशा काफ़ी बढ़िया आपको बाजार भाव देखने के लिए मिलते हैं। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो उत्पादन है, ईल्ड है, यदि आप प्रॉपर प्राउनिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, सिंचाई और खाद पर विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, खरपतवार मुक्त फसल रखते हैं, तो एक एकड़ में देसी वेराइटी और हाइब्रिड वेराइटी दोनों का उत्पादन 70 से 75 क्विंटल आप एक एकड़ से पैदावार निकाल सकते हैं। और यदि आप देखभाल कम करेंगे, मिट्टी कम उपजाऊ है, तो पैदावार दोस्तों घट भी सकती है। एक साल में लगभग 70 क्विंटल पैदावार वाले आराम से हो जाती है। लागत के ऊपर बात कर लें, यदि आप गुलाब की खेती कर रहे हैं तो एक एकड़ में जो लागत है, चाहे मल्चिंग हो, ड्रिप का खर्च हो, खाद हो, बेसल डोज, या फिर जो आप बेड तैयार कर रहे हैं, ट्रैक्टर का जो भी भाड़ा है दोस्तों, एक एकड़ में 70 से 80 हज़ार रुपये के आसपास लागत लग जाती है। यदि आप सामान्य तरीके से खेती करते हैं तो केवल आप कलम को खरीदें और लगा दीजिए, कोई खर्च नहीं है। लेकिन आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, मल्चिंग ड्रिप को लगाते हैं और काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से फार्मिंग करते हैं, खाद दवाइयों पर प्रॉपर आप खर्च करते हैं, तो लागत 70-80 हज़ार रुपये लग जाती है। अगले महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करते हैं, मुनाफा प्लस नेट प्रॉफिट। यदि हम गुलाब की खेती करते हैं तो कितना मुनाफा होगा, कितना नेट प्रॉफिट हम बचा सकते हैं दोस्तों, तो मुनाफा बाजार भाव पर और उत्पादन पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है। तो यदि हमको 80 रुपये प्रति कम से कम, दोस्तों आपको पता है कि रेट हमेशा इसके 70-80 तो मिनिमम रहते ही रहते हैं, कम से कम हमको 80 रुपये केजी का ही रेट मिल जाता है, यानी 8 हज़ार रुपये क्विंटल, और हम 70 क्विंटल पैदावार एक साल पर मान लेते हैं, तो 8 हज़ार में यदि हम 70 का इंटू कर देंगे तो 5,60,000 रुपये हमारा दोस्तों मुनाफा आ गया। मुनाफा में से हम लागत को घटा देंगे, मुनाफा हुआ 5,60,000 रुपये और लागत लगी 80,000 रुपये। यदि दोस्तों हम 5,60,000 रुपये में से 80,000 लागत घटा देंगे तो 4,80,000 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया दोस्तों। यदि दोस्तों इस प्रकार आप हाइब्रिड गुलाब की खेती करते हैं तो ये मान लीजिए एक एकड़ से 4-5 लाख रुपये आप आराम से अर्न कर सकते हैं। और यदि आप ओपन फील्ड फार्मिंग खेती करना चाहते हैं, देसी वैरायटी का चुनाव और सिलेक्शन किया है, तो दोस्तों आपको बता दें कि 3.5-4 लाख रुपये आप बड़े ही आराम से अर्निंग कर सकते हैं। गुलाब की खेती जितनी ज़्यादा कलरफुल है, सबकी फेवरेट है दोस्तों, जैसे गुलाब सबका फेवरेट है, वैसे ही काफ़ी अच्छा अर्निंग, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देने वाली यह फसल है दोस्तों। तो हमारे किसान भाई काफ़ी, मतलब कह सकते हैं कि कम लागत पर एक अच्छा प्रॉफिट, एक अच्छा रेवेन्यू गुलाब की खेती से भी कमाई कर सकते हैं। यदि आप भी गुलाब की खेती करना चाहते हैं तो इस वीडियो देखकर काफ़ी आपकी हेल्प होगी, मदद होगी। और क्या आप गुलाब की खेती करना चाहते हैं या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको A to Z डिटेल में संपूर्ण जानकारी शेयर की। आपके मन में कोई सवाल या फिर सुझाव हैं तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नॉलेज जीवन महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।